प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन बहुत 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 अच्छा है। परमेश्वर ने जो वचन आज मेरे मन में डाला है अद्भुत है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हालेलुया। बहुत ही सुना सुनाया वचन जो आप सुनते हैं, जो आप जानते हैं, वो वचन परमेश्वर ने आज मेरे मन में डाला। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस वचन की व्याख्या करके आपको समझा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन क्या कहता है? यूहन्ना 10:10 कहता है कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है, लेकिन मेरा यीशु जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। आमीन। आपको पता है चोर चोरी कैसे करता है? इसमें तीन चीजें हैं। चोर चोरी करता है, घात करता है और नष्ट करता है। आज मैं इन तीनों से आपको मिलवाऊंगा कि शैतान कैसे आपके जीवन में आता है, कैसे एंट्री लेता है। जब आप मसीह हो जाते हैं तब, यह अविश्वासियों के लिए नहीं है, यह मसीहों के लिए है। यह वचन मसीहों के लिए है। जब आप मसीहत को जीते हैं, जब आप जान जाते हैं, जब आप उसके लहू से शुद्ध हो जाते हैं, जब आप पश्चाताप कर लेते हैं, जब परमेश्वर आपको संसार से अपने राज्य में ले आता है, जब आपको परमेश्वर चुन लेता है, तो ये शैतान कैसे चोरी से आपके जीवन में आता है और चोरी से आने के बाद घात करता है। आमीन। और अगर घात करने पर भी आप नहीं संभले, अगर घात करने की कीमत को आपने नहीं समझा, तो वो आपको नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। वो उसका काम ही नष्ट करना है। बिल्कुल। इसलिए हमारे पास जो आशीषें आ रही हैं, वो कहां से आ रही हैं? हमें जो आशीषित जीवन परमेश्वर दे रहा है, वो कौन दे रहा है? क्या प्रभु की ओर से आ रहा है या शैतान? इसलिए याद रखिए कि अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करिए, चाहे वो काम छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे आपके धंधे का काम हो, चाहे आपके घर का काम हो, कोई भी काम आपके अंदर हो, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के साथ शुरू करिए। मैं आपको बता दूं, हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा परमेश्वर सोने वाला नहीं है, वो जवाब देने वाला है। हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम उसकी आवाज को सुन सकें। वो हर पल तैयार है हमसे बात करने के लिए। उसने आपको चुना इसलिए, उसने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आपको अनाथों की तरह छोड़ दे, कि आपको लगे कि यार अभी हमें यीशु मसीह में आ गए, अभी हमारा कोई है ही नहीं। जैसे कई मसीहों को लगता है कि हम यीशु मसीह में आ गए, चर्च जाते हैं, अभी विपत्ति है, हम क्या करें। अपने आप को अनाथ समझते हैं, गलत समझते हैं। मेरा यीशु महान है। और वो कहता है उसका जीवन क्या है, कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। मैं तेरा हाथ पकड़ के रखूंगा। आमीन। कोई है आपका ऐसा मेरी बहन, जिसने आपको पापों से, शापों से छुड़ाया हो, जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी हो, और उसके बाद अपनी आत्मा आपके अंदर डालकर वही आपको प्रॉमिस करे कि मैंने तेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है? है किसी को? जानते हैं आप? कोई है? वो सोता नहीं है, वो ऊंघता नहीं है, अभी भी यीशु मसीह अपने हाथों और पैरों में वो घाव लेकर बैठा हुआ है, अभी भी स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और उसका लहू बह रहा है। और ये लहू उसको याद दिला रहा है कि मैंने जिसको चुना है वो मेरे बच्चे हैं।
आप नहीं जानते अपनी कीमत को। हम छोटी सी विपत्तियों में, छोटी सी परीक्षाओं में हम बहक जाते हैं, डर जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपका पिता, आपका यीशु मसीह जो 2020 साल पहले स्वर्ग से जमीन पर आया था, वो आज भी आपकी परवाह करता है। आप दुनिया की नजरों से अपने आप को देखते हैं, आप दुनिया की नजरों से अपने आप को देखते हैं। आपका पड़ोसी कहता है, अरे तेरे पास साइकिल नहीं है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, क्या है, मकान का तो किराया दे नहीं सकता है, अरे ओ शराबी, अरे तू विधवा है, अरे तू बांझ है, एक औरत 10 साल हो गई तेरी शादी को, तेरे बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर आपको उस तरह से नहीं देखता है। परमेश्वर कहता है तू मेरी बच्ची है, परमेश्वर कहता है जो तेरे लिए असंभव है वो मेरे लिए संभव है। आमीन। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है तू मेरी आंख की पुतली है। वो परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, वो सर्वशक्तिमान जिसे इब्रानियों में मां के तुल्य कहते हैं, एल एलोही, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए हूं। इसलिए अपने आप को संसार की दृष्टि से मत देखिए। आप अपाहिज हैं, मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मैं विधवा हूं, मेरी औलाद नहीं है, मैं बेऔलाद हूं, नहीं। आप कहिए मैं आशीषित हूं, मैं सर्वशक्तिमान की बेटी हूं, मेरा पिता इस धरती का रचयिता है, ये मेरे पिता का संसार है, ये मेरे पिता का संसार है, यहोवा राफा है मेरा पिता, मेरे जीवन पे उसका ही अधिकार है, ये मेरे पिता का संसार है। कभी देखा है आपने? आप अपने घर को देखते हैं जो पिता ने आपको दिया होगा, ये 1 बेडरूम हॉल, 2 बेडरूम, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरे पिता ने दिया है मुझे। कभी आपने संसार से निकल कर देखा है? ये मेरे पिता का संसार है। आमीन। कभी महसूस करिए, धरती के ऊपर चलते हुए, आसमान के नीचे चलते हुए बोलिए, ये मेरे पिता ने बनाया है। परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखिए। परमेश्वर की दृष्टि से शैतान आपको बिल्कुल दबाना चाहता है। शैतान कहता है, अबे ओए तू कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए लोग, शैतान आपको ऐसे वातावरण में डाल देता है कि आप अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। गदरेनियों के शहर में जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गए, वहां पर एक शैतान दुष्ट आत्माओं से ग्रसित एक आदमी बैठा हुआ था, बेड़ियां पहने हुए, नंगा, कपड़े नहीं पहन सकता था, दाढ़ी बड़ी हुई, वो अपना अस्तित्व भूल गया। यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? वो अपना नाम भूल गया था। शैतान आपको आपका नाम भुला देता है। वो कहता है मैं सेना हूं, सेना हूं, दुष्ट आत्माओं की सेना मेरे अंदर है। वो अपना अस्तित्व भूल गया कि मैं पुत्र हूं। शैतान आपको ऐसा प्रभावित करता है कि आप भूल जाते हैं कि आप क्या हैं। यही है वो चोरी से आपके अंदर घुसता है।
आप समझ नहीं पाते। मत्ती 13 का 3 और 4 पढ़ेंगे हम। आप समझ नहीं पाते कि वो किस तरीके से आता है और आपके अंदर से वचनों को चुरा लेता है, ताकि आप अपना अस्तित्व भूल जाएं। वचन क्या है? कलीसिया क्यों बनाई है? बाइबल क्यों दी है परमेश्वर ने आपको? हेलो, मतलब देखिए, बाइबल परमेश्वर ने क्यों दी आपको? पवित्र आत्मा ने ये बाइबल क्यों लिखी है? ताकि आप खुद को जान सके। ये क्या है? पवित्र शास्त्र, इसे क्या कहते हैं आप? ये दुनिया के साथ बांधी हुई परमेश्वर की वाचा है। अगर इस धरती पे आपको सही जीवन जीना है तो ये है वो रास्ता जो आपको बताता है कि आपको किस तरीके से जीना है। इसलिए जब आप कलीसिया क्यों बनाया है, ताकि आप उस ज्ञान को हासिल करें, और वो ज्ञान जब आपके अंदर आ जाएगा तब आपको मजबूत करेगा, तब आपको शक्तिशाली बनाएगा, तब आपको बताएगा कि आप कौन हैं। तब आप खुद को जानेंगे और आप जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है और क्यों उसने आपके लिए जान दी। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान चोरी से आता है। कैसे आता है? कि जैसे ही आप यहां से निकलते हैं, आपके अंदर से वचन चुरा लेता है। तो पहली चोरी वो क्या करता है? वचन चुराने की। पढ़िए बेटा, मत्ती 13:3-4। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षियों ने, या पक्षी कौन है? शैतान। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कलीसिया में परमेश्वर ने मेरे द्वारा आपके अंदर बीज बोया। अब आप सुन रहे हैं, मैं कई बार बोलता हूं कि अपनी बाइबल लेकर आइए, मैं कई बार बोलता हूं एक कॉपी लिखिए जिसमें आप लिखें। अभी कई यहां भाई बहन हैं हमारे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं, जब मैं इसको रिलीज करता हूं उसको रिकॉर्ड्स को सुनिए। आप सुन तो सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुनिए। जब वचन आपके अंदर रहेंगे तो ही आपको शक्ति मिलेगी, जीवन मिलेगा। लेकिन शैतान का काम क्या है? कि जब आप यहां से निकलते हैं तो वो आपको विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न आपके चिंताओं में डाल देता है। घर की चिंता, धंधे की चिंता, बच्चे की चिंता में डाल देता है। अब चूंकि आपने वचन लिखा नहीं है, चूंकि आपने वचन पूरी तरीके से अंदर नहीं लिया है, हालेलुया, बैठी बहन बैठी, क्योंकि आपने वचन लिया नहीं है, तो जब आपने वचन लिया नहीं है, आसानी से वो आपके अंदर से वचन चोरी कर लेता है, आपको पता ही नहीं। आप सिर्फ इस खुशहमी में हैं कि मैं कलीसिया गई थी। कलीसिया गए थे? हाँ गए थे। वचन कैसा था? बहुत अच्छा था। क्या था? पता नहीं, अच्छा था, पास्टर ने अच्छा बोला, लेकिन क्या था पता नहीं। यही तो शैतान चाहता है कि आप कुछ याद ही ना रखें, यही तो उसका चोरी है। आपको समझ ही नहीं आया? आप समझते थे वचन में गया, कलीसिया की स्तुति आराधना की, पास्टर से मिले, प्रार्थना कराई, और वचन याद नहीं है कि क्या? इसका मतलब आपके अंदर जीवन काम नहीं कर रहा है। हेलो, आप वैसे की वैसे ही हैं। फिर नेक्स्ट संडे आएंगे आप, हालेलुया। ज्ञान आपको बदलता है। कौन बदलता है आपको? ज्ञान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको खाना बनाने की कोई क्लास देगा कि भैया दाल बनानी है तो पहले पानी रखिए, फिर दाल को धोइए, फिर दाल डालिए, फिर नमक डालिए और ये डालिए। अब अगर आपको पता नहीं होगा, एक भी मसाला कम होगा तो दाल अच्छी बनेगी? हो सकता है आपको दोबारा जाना पड़े उस ज्ञान को हासिल करने के लिए। रेस अलॉट, तो दाल कब अच्छी बननी शुरू होगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे।
Amen. कोई भी काम ऐसे आता है क्या? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, गाड़ी चलाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कब करेंगे आप? जब ज्ञान होगा। इसलिए चोर जो है, शैतान जो है, वो आपके अंदर ज्ञान बसने ही नहीं देता है। हालेलुया। वो सबसे पहले क्या कहता है कि ज्ञान बसे नहीं। अगर ज्ञान इसके अंदर रहा तो मैं इसको चुरा नहीं सकता। आपको पता है, कभी भी आप जाते हैं बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, बहुत भाइयों का, मेरा भी एक बार पर्स गया था, पर्स निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं पता है आपको? आपका ध्यान भटका कर, आपका ध्यान भटका। दो आदमी वहां लड़ना शुरू कर जाएंगे, आपका ध्यान होगा पीछे वाला आदमी काम कर जाएगा, आपका ध्यान डाइवर्ट करेंगे, तब वो आपके अंदर से चोरी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही शैतान करता है, वो आपके ध्यान को भटकाता है। इसलिए चर्च में जब आप आते हैं, आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए? जो पास्टर बता रहे हैं उसको मैं अपने अंदर कैसे रखूं। अगर आपको लिखना नहीं आता तो रिकॉर्ड कर लीजिए, जो मैं आपको रिलीज करता हूं अगले संडे, अगले फ्राइडे, यही चीज फ्राइडे रिलीज होती है यूट्यूब में, यूट्यूब चैनल में, उसको देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, दो बार सुनिए। आप सुन तो सकते हैं, बोल नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, सुनिए, उसके लिए समय निकालिए, ताकि वो वचन जो परमेश्वर ने पास्टर के द्वारा दिया है, वो जो परमेश्वर आपके जीवन में बोना चाहता है, उस वचन पर आपका मनन हो, तब वो वचन जो है आपके जीवन में काम करेगा। Praise the Lord. इसलिए वो कहता है कि चोर चोरी करने आता है। Amen. आपके मन से वचन चुराने आता है। इसलिए नीति वचन 4:23 क्या कहता है? नीति वचन 4:23, सब में अधिक अपने मन की रक्षा कर। सब में अधिक, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन कहां पर है आपके? मन कहां है? हेलो, मन आपके अंदर है कि बाहर है? आपका मन कहां है? अंदर है। बोलिए, मेरा मन मेरे अंदर है, है ना? इसमें तो कोई झूठ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, बोलिए दोबारा, बड़ी बेटा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत, जीवन निकलने वाला, वहीं से जीवन की नदियां बहती हैं। सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। क्यों? यिर्मयाह 17:7 क्या कहता है कि सबसे ज्यादा धोखा देने वाला कौन है? मन। आपका मन आपको धोखा देता है, आपका शरीर आपको धोखा नहीं देता है। मन पर कौन कब्जा करता? अब मन के अंदर शैतान कैसे आता है? जब अंधकार को आप नहीं निकालेंगे, जब ज्योति को आप अपने अंदर नहीं डालेंगे, तो अंधकार रहेगा। जब अंधकार आपके अंदर रहेगा, जब ज्ञान आपके अंदर नहीं रहेगा, तो शैतान आपके अंदर आता है। और शैतान आपके अंदर कैसे आता है? क्योंकि आपने परमेश्वर के जीवन को, यीशु के जीवन को अपनाया नहीं, अपने अंदर नहीं रखा। कैसे नहीं रखा? क्योंकि छोटे छोटे स्वार्थ, छोटे छोटे लाभ, छोटे छोटे जो लालच हैं, वो शैतान आपके अंदर, आपके जीवन में बोता रहता है, और आप उन छोटे छोटे लालचों को अपना समझते हैं, छोटे छोटे स्वार्थ को आप अपना समझते हैं, और उनके द्वारा जो शैतान है आपके अंदर से आपकी ज्योति निकाल देता है और अपने अंधकार को डाल देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, अपने मन की तो सबसे ज्यादा चौकसी कर, चौकसी करिए। हम अपने मकान की चौकसी करते हैं, मकान के पास दरवाजे लैच भी डालेंगे, और ये ताला भी और वो ताला भी, कि हमारे अंदर से कोई चुरा ना ले जाए। अरे मेरे भैया, तेरे मकान से कोई ले गया तो फिर आ जाएगा, तेरे मन को अगर किसने दूषित कर दिया
तो तू प्रभु तक नहीं पहुंच पाएगा। अपने मन को संभाल, कहीं जाते हैं गलत चीज ना सुनिए, कुछ देखते हैं गलत चीज मत देखिए, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। कहीं उत्तेजना में, कहीं गुस्से में गलत चीज मत बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान आपको उत्तेजित करेगा। पति आपकी बात नहीं मान रहा है, आप गुस्से हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आप पति के मन को नहीं बदल सकते, परमेश्वर बदल सकता है। आप नहीं बदल सकते। आप ध्यान रखिए कि मेरा मन ना बदले, मेरा मन कटु ना हो, मेरा मन गलत दिशा में ना चले, मेरे मन में नफरत ना आए, चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे मेरा पड़ोसी हो, चाहे मेरी बहन हो, नहीं, मेरे अंदर नफरत ना आए। अगर मेरे अंदर नफरत आए, क्योंकि शैतान इस तरीके से एटमॉस्फेयर बनाता है कि आप अपने ही घर में प्रेम से अलग हो जाते हैं, अपने ही आपसी रिश्तों में प्रेम खत्म हो जाता है, शैतान की चाल है। और शैतान आपके अंदर नफरत का बीज बोता है। नहीं, हमें अपने अंदर नफरत नहीं लानी है। परमेश्वर कौन है? प्रेम। और बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 4:16 में कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उनमें रहता है। परमेश्वर प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में रहना है, उस प्रेम को अपने अंदर से नहीं जुदा करना है। नहीं, गलत वादा नहीं करना है, कभी भी किसी को खुश करने के लिए कुछ शब्द नहीं बोलने हैं और वो आप नहीं कर पाए, वो बहुत बड़ा पाप है, कभी मत करिए। किसी को एक गिलास पानी पिला सकते हैं, पिला दीजिए, वादा मत करिए कि मैं आपको ठंडी पानी की बोतल दूंगा और उसके बाद आप ना दें, वो बहुत बड़ा पाप है। नहीं, कभी नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है जो एक हाथ से देता है दूसरे हाथ को पता ना लगे। क्यों? क्योंकि जब आप दें तो आप भी नहीं जाने कि आप क्या दे रहे हैं। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे इस काबिल बना कि मैं किसी की सहायता कर सकूं। वादा मत करिए, और वो भी झूठा वादा नहीं। हमें इंसानों को खुश नहीं करना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है। आमीन। हमें परमेश्वर को खुश करना है, हमें परमेश्वर के लिए जीना है। इसलिए अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत कहां है? मन में ही है। अगर आपके मन में अच्छी चीज होगी तो आप अच्छी चीजों के ख्याल आएगा, अगर मन में आपके डर बैठ जाएगा तो आप डर जाएंगे। गोलियत ने इजरायलियों के मन को डरा दिया था, 40 दिन रोज बाहर निकलता था, आओ कोई है मेरे सामने, कोई भी आएगा अगर मुझसे लड़ेगा और जीत जाएगा, और अगर हार गया तो सब मेरे गुलाम बन जाओगे। आप देखिए कितनी बड़ी चाल है उसकी। बुला रहा है गोलियत एक आदमी को, वो ये नहीं कह रहा कि आओ पूरी सेना मुझसे लड़ो, कह रहा क्या ध्यान दीजिए शैतान को, वो क्या कह रहा है? आओ तुम में से कोई आए और मुझसे लड़े, और अगर वो हार जाएगा तो पूरी सेना गुलाम बन जाएगी। यानी कि लड़े एक और गुलाम सब बनेंगे। तू सबसे लड़ना नहीं चाहता इकट्ठा, क्योंकि शैतान जाता है एकता में विजय है। शैतान आपको एक नहीं होने देता है, इसलिए कलीसिया में फूट डालता है, ग्रुप बन जाते हैं, 4 यहां पर बहन है, 10 वहां पर, 15 यहां पर, वाह वाह,
हम और एक दूसरे को देखते रहेंगे। यही तो शैतान की चाल है। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए ना कि गोलियत 40 दिन तक किसी एक आदमी को ललकार रहा, पूरी सेना को नहीं ललकार रहा, कोई एक आदमी आए मुझसे लड़े। हालेलुया। शैतान आपको कमजोर करता है, इसे जांचिए कौन सा विचार आपके अंदर आ रहा है परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से। शैतान आपको लालच देगा, शैतान आपको किसी ऐसे भाई से मिलवा देगा, एक ऐसी बहन से मिलवा देगा जो मजबूर होगी, जो कमजोर होगी, और फिर शैतान कहेगा इसका फायदा उठा। आप हाँ यार फायदा उठा सकते हो, ये तो भाई बोलने वाला नहीं है, जो मैं बोलता रहूंगा ये हाँ हाँ मैं करता रहेगा। लेकिन परमेश्वर अपने कमजोर बंदों की राह अपना ढाल बनाता है। याद रखिए, अगर आप किसी कमजोर का दिल दुखाएंगे ना, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा आपको। क्योंकि जब वो कमजोर आदमी या औरत अकेले में रोएगा या रोएगी, उसके आंसुओं को परमेश्वर देख रहा है। इसलिए किसी भी किसी की कमजोरी का फायदा मत उठाइए, कभी भी नहीं। डरिए, किसी के लिए काम आ जाइए, किसी की कमजोरी का फायदा मत उठाइए, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनिए। मत्ती 18 में लिखा हुआ है जो किसी की ठोकर कारण बनता है, परमेश्वर कहता है कि उसको चक्की का पाठ बांधकर समुद्र में डाल देना चाहिए। मत्ती 18 पढ़िए आप, कभी भी नहीं। आप समझते हैं कि मैं भी मसीह हूं, तो शैतान आपके मन में ये गलत चीजें डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है, क्योंकि वो वचन चुरा चुका है। उसने पहला काम किया चोरी का। जब आपके अंदर से वचन चुरा लिए उसने, तब वो अपने वचन डालता है। अब ये करो, अब आपके अंदर सही वचन तो है नहीं, आपका जीवन सही आधार में तो है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और आप इसलिए शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका दरवाजा सही है, अगर आपको बनाना आता है, अगर आप वचन में हैं, तो आप किसी के गलत नहीं सुन, गलत डॉक्ट्रिन आप नहीं लेंगे। नहीं नहीं नहीं, गलत बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ, आप नहीं करेंगे, आप नहीं मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप को ज्ञान नहीं है, आपके अंदर वचन नहीं है, तो शैतान आपको बहका देगा। इसलिए वो कहता है अपने मन की चौकसी करो। प्रेज द लॉर्ड। जब अपने मन की चौकसी करोगे तो आप आशीष पाओगे। तो चोरी से घुसता है। एक और उदाहरण मैं देता हूं मत्ती 13 का 24 से 26 के बीच में, कि जंगली बीज को कैसे परमेश्वर बोता है। देखिए, ध्यान दीजिए कैसे शैतान काम करता है। मसीहों के जीवन की बात कर रहा हूं मैं, एक विश्वासी के जीवन में। पढ़िए बेटा 24 से। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, अब यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर बस 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 आमीन। जंगली बीज कैसे बोता है परमेश्वर? मैंने आपको बहुत पहले बताया था, अगर आपको ये मेरा प्रचार याद होगा, कि जंगली बीज रिश्तों के रूप में आपके जीवन में आते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि अन्य जाति में शादी मत करो। अन्य जाति में शादी नहीं करनी हमें अपने बच्चों की। वो क्या है? जंगली बीज है।
आसानी से जो शैतान है वो जंगली बीज को आपके बच्चे के जीवन में बो देता है, एक पत्नी के रूप में, एक पति के रूप में। अब आप निकाल नहीं सकते, एक साल के बाद बच्चा हो जाता है, आप बन जाते हैं। आप जानते हो कि ये परमेश्वर की बच्ची नहीं है, ये परमेश्वर का बच्चा नहीं, आप जानते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आप बंध गए हैं। अभी जंगली बीज है, उसने आपको समेट लिया है, आपके बेटे के संग, आपकी बेटी के संग उसने उसको रोप दिया है। अब आप निकलना चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आप तोड़ नहीं सक रहे बंधन। और शैतान ने बड़ी चाल की, एक खूबसूरत सा फूल, एक खूबसूरत सा कांटों लगा फूल, वो आपको आपके घर में रख दिया उसने। आप जानते हैं कांटे हैं, लेकिन आप तोड़ नहीं पा रहे क्योंकि कांटे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का मकसद क्या है? आपके वंश को पीछे करना। देखो परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर चाहता है आपके वंश की तरफ, परमेश्वर का ज्यादा इंटरेस्ट आपके वंश पर है, आप पर नहीं, आपको तो चुन लिया है, अब आपके द्वारा उसका वंश। क्योंकि अगर आपने अपने वंश को परमेश्वर का आधार दिया तो आपका वंश भी अपने वंश को आधार देगा। यह आप पर डिपेंड करता है। आप कहें कि मैंने अपने बेटे के लिए कर लिया, मेरा बेटा आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, न्याय के दिन पूछा जाएगा, परमेश्वर आपसे पूछेगा कि मैंने तुझे बेटा दिया था, क्या कहते हो, वो क्यों नहीं गया प्रभु में? हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे बच्चे प्रभु में नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी, याद रखिए, प्रभु की नहीं है। इंसान बड़े अच्छी तरीके से हाथ पैर धो लेता है कि नहीं नहीं अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो उसे बता रहा हूं, मैं तो उसे बोल रहा हूं, वो नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं। वो परमेश्वर आप जानेंगे। जिस तरीके से आप कई बातों में उसको स्टिक हो जाते हैं, नहीं तुझे करना ही है, पढ़ाई करनी है, चल उठ पढ़ाई कर, स्कूल नहीं, स्कूल जाना, तुझे बंक नहीं मारना है, छुट्टी नहीं करनी है फिजूल में। मारते हैं कभी कभी आप बच्चों को, तो बाइबल के लिए क्यों नहीं मारते हैं? परमेश्वर पूछेगा, रोज एक चैप्टर पढ़ के सुना, याद कर, चल याद कर और सुना। क्यों नहीं सुनाते हैं? क्योंकि आप खुद नहीं करते, आप खुद ही टाइम नहीं है, खुद ही आपने घर का माहौल प्रार्थना का नहीं बनाया हुआ, तो बच्चा कैसे करेगा? आमीन। आप तो खुद करें ना, और बच्चे से चाहें तो नहीं हो सकता है, आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वंश प्रभु में आए तो आपको प्रभु में होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप सोचिए, इब्राहिम ने इसहाक को बांधा वेदी पर, वो 30 साल का था और इब्राहिम था 135 साल का, और वो बंध गया। और अगर आप उत्पत्ति 22:17-18 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कहता है कि इब्राहिम मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इसलिए तेरा वंश आशीषित होगा। क्या उसने आशीष दी? उसने ये नहीं कहा, इब्राहिम चल तू, मैं तुझे 1,000 ऊंट देता हूं, तुझे 1,000 गधे देता हूं, तेरी और संपत्ति बढ़ा देता हूं मैं। इब्राहिम की आशीष क्या थी? तेरा वंश आशीष होगा, तेरे वंश से आशीष पाएंगे लोग। आमीन। परमेश्वर के लिए वंश जरूरी है। आपने तो जीवन जी लिया, आपका वंश कैसा जीवन जी रहा है इस पर आपको निगाह रखनी है, किसी और को नहीं, कोई पड़ोसी नहीं रखेगा। बेटा 50,000 कमा रहा तो हम उसके सामने बोल नहीं सकते, नहीं नहीं। प्रार्थना का जीवन अगर तेरा नहीं है, तेरा 50,000 क्या, 5,00,000 भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने बेटे को हटा देता हूं पहले प्रार्थना का जीवन, हमको नहीं पता तू कितना कमाता है, तूने नौकरी क्या करनी है, हमको नहीं पता, हमको चाहिए नहीं। प्रार्थना का जीवन तेरा अगर नहीं है,
निकल, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ऐसा बेटा, हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने वंश को सही राह दिखाऊं। इब्राहिम ने अपने वंश को, इसाक को राह दिखाई थी, तब उस वेदी पर इसाक बैठ गया बलिदान होने के लिए। नहीं तो 30 साल का है, वो बंधन तोड़ता है, बाप को कहता, अरे बाबा आप पागल हो गए हो क्या, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई और आप परमेश्वर की वादे के लिए मुझे मार रहे हो। नहीं, क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने अपने वंश को वो शिक्षा दी थी, वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया था। आमीन, हालेलुया। तो जंगली बीज रिश्तों के द्वारा शैतान हमारे अंदर बोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नीति वचन 2:1-5 क्या कहता है, ध्यान से समझिए कि वचन सुनना क्यों जरूरी है। वचन हमें वो जीवन देता है। पढ़िए बेटा, नीति वचन 2:1-5। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि को बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, पांचवा, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आमीन। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कब होगा? जब आप उसके वचन को ध्यान से सुनेंगे, जब आप उसके वचन को हृदय में संचित करेंगे। आमीन। कुछ और संचित नहीं करना, इधर उधर की बातें नहीं। अगर इधर उधर की बातें, फेसबुक की बातें, यूट्यूब की बातें, इधर की बातें अगर आपके मन में संचित हैं, तो परमेश्वर का ज्ञान नहीं आ पाएगा, आप उसको ले नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का ज्ञान मेरा आधार है, फिर संसार का जो काम है वो उसके ऊपर, ठीक है। आधार मेरा ज्ञान होना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान मेरा आधार होना चाहिए। परमेश्वर के ज्ञान के आधार पर ही आप अपने धंधे को चलाएं, अपने जीवन को चलाएं संसार में रहते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप, जब आप उसके वचन को संचित करेंगे, अंदर बिठा लेंगे, मेरे मन में क्या है, मेरे प्रभु का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे वो देता है जीवन, देखिए उसी का नवा, पढ़िए 9:9। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली चाल को समझ सकेगा। सारी भली चालों को जो परमेश्वर की ओर से है समझ सकेगा। आप परमेश्वर की भलाई को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर शैतान बोने नहीं दे रहा है। इसलिए आप यीशु मसीह के क्रूस को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए आप यीशु मसीह के क्रूस को समझ नहीं पा रहे हैं कि उसने लहू क्यों बहाया, इसलिए आप नहीं जान पा रहे हैं कि परमेश्वर ने जो आपको चुना है उसमें कैसी उसकी भलाई है, आपकी भलाई है। उसने आपको स्वर्ग ले जाने के लिए चुना है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उसने अपनी आत्मा आपके अंदर क्यों डाली है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों डाली है? आप भलाई को नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर आपके पापों को क्यों क्षमा करता है? ताकि आपकी बुद्धि खुले और आप उसकी भलाई को समझ सकें। लेकिन आपके अंदर से वचन शैतान निकाल लेता है, चोरी कर लेता है, तो आप उसकी भलाई को समझ नहीं पाते। आप समझते हैं कि मेरी बीमारी का चंगा होना मेरी भलाई है, मुझे 20,000 की नौकरी मिल जाए ये भलाई है, मेरा धंधा चले ये भलाई है, मेरा बैंक बैलेंस हो जाए ये भलाई है। नहीं भाई, ये भलाई नहीं है, ये तो है ही। उसकी धार्मिकता को पहचानना, उसकी निष्पक्षता को पहचानना, उसके अनुग्रह को जानना। आमीन। वो मनुष्य के रूप में धरती पर रहा। आमीन। उसके सामर्थ को समझना,
जब आप उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, जब उसका वचन आपके अंदर में संचित होगा ना, तब आप उसकी भलाई को जानेंगे कि वो कितना भला है, तब आप किसी भी विपत्ति से हिलेंगे नहीं। याद है यूसुफ, यूसुफ के अंदर परमेश्वर ने जीवन का वचन बोया था कि तू चांद है और सारे सितारे तेरे आगे झुक रहे हैं, जीवन का वचन। और उस जीवन के वचन को यूसुफ ने अपने मन से निकलने नहीं दिया। बहुत सी विपत्तियां आई, उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसका मन रोया होगा, तब भी उसने अपने मन की चौकसी करी, वो जीवन का वचन जो उसके अंदर था निकलने नहीं दिया। फिर पोतीपर की पत्नी ने उस पर गलत इल्जाम लगाया, उसको लज्जा दी, दुनिया के सामने उसका तमाशा बना, लेकिन फिर भी उसने अपने मन की चौकसी करी और परमेश्वर के जीवित वचन को अपने अंदर से निकलने नहीं दिया। 12 साल तक जेल में रहा, बिना कुछ किए, बिना अपराधी, बिना अपराध किए वो जेल में रहा। रोज टूटता होगा, प्रार्थना करता होगा, वहां पर वो खिलाने वाले को और पिलाने वाले को बताता है कि 3 दिन के बाद तुम्हारे जीवन में ये होगा, तुम्हारा सपना ये है कि 3 दिन के बाद तुम आजाद किए जाओगे। एक को बताता है और एक को कहता है कि 3 दिन के बाद तुम मर जाओगे। अपने बारे में क्यों नहीं बता पाया कि मैं कब आजाद होऊंगा? क्यों नहीं बता पाया अपने बारे में? हेलो, क्वेश्चन मार्क उसके सामने था, लेकिन उसने अपने मन की चौकसी करी, उसने जीवित वचन को अपने अंदर से निकलने नहीं दिया। और एक दिन आया जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना, एक दिन आया जब परमेश्वर की योजना उसके द्वारा काबिल हुई और वो अपने इब्रानी वंश को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को मिस्र में लाकर उसने बचाया उनको, क्योंकि उसने जीवित वचन को निकलने नहीं दिया। आपके अंदर जो जीवित वचन है वो है या निकल चुका है? अपने अंदर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का जीवित वचन क्या मेरे अंदर अभी भी है कि नहीं है, या संदेह के साथ निकल गया है, या अविश्वास के संग निकल गया है? हेलो, अगर जीवित वचन आपके अंदर से निकल गया तो आप खतरे में। आपके अंदर से उस जीवित वचन को निकलने मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जीवित वचन है वो आशा जो यीशु आएगा और मुझको यहां से लेकर जाएगा। Praise the Lord! उस जीवन को मुझे निकलने नहीं देना है। तो चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है और नष्ट करने आता है। अब मसीहों को नष्ट कैसे करता है, मैं आपको बताऊं। इब्रानियों 6:4-6 देखिए, जब वो आपके मन से वचन चुरा लेता है, जब आपके मन में वो गलत वचन डाल देता है, आपके मन को घात करता है। आपको पता है इजिकल 36:26 में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आपको नया मन दिया है, आपकी आत्मा को जिंदा किया है। तो शैतान का सबसे बड़ा क्या है कि जो आपके मन को नया किया है उसमें वो गलत चीजें डाले, आपके मन को नष्ट करे, मन की हत्या करे। तो पहले उसने वचन चुराए और फिर आपके मन की हत्या की, और अब जब आपके मन की हत्या हो जाती है और आप नहीं समझ पाते, आप समझते मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, आप समझते मैं मसीह हूं, आप समझते मैं चर्च जाता हूं, लेकिन काम आप कौन से कर रहे हैं? शैतान के काम आप कौन से कर रहे हैं? संसार के। तो इसका मतलब आपका जो मन है ना, शैतान ने उसकी हत्या कर दी है। अगर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, हेलो ध्यान दीजिए, अगर आप गलत काम करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, अगर आप मसीह होने के बाद भी झूठ बोलने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं,
अगर आप मसीह होने के बाद भी व्यभिचार की आत्मा आपके अंदर है, अगर गलत दृष्टि से आप देख रहे हैं और गलत तरीके से आप कर रहे हैं और अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप विश्वास करिए, आप मान लीजिए कि शैतान ने आपके मन की हत्या कर दी है। आप शरीर से तो आ रहे हैं चर्च, लेकिन आप आत्मिकता का आशीष नहीं पा रहे हैं, आप अलौकिक आशीषों को नहीं पा रहे हैं। आप यहां से सुनते हैं, यहां से निकल जाता है, तब शैतान आपको नष्ट करता है। तीसरा उसका प्रहार नष्ट करता है, कैसा है? इब्रानियों 6:4-8 ध्यान से सुनिए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गया है और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर आप भटक गए तो आपके मन को नया बनाना अनहोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दोबारा पढ़ता हूं, क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं तथा पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है, क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं और खुलेआम उसका अपमान करते हैं। आमेन। आप समझते हैं कि हम भटक गए फिर हम पश्चाताप करेंगे फिर आ जाएंगे? आप समझते हैं कि पश्चाताप हमेशा के लिए आपके लिए तैयार है? नहीं। एक बार आप चख चुके हैं, अगर आप परमेश्वर का सामर्थ्य चख चुके हैं, अगर आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चख चुके हैं, अगर आप स्वर्गीय वरदानों को चख चुके हैं और आप फिर भटक जाते हैं तो दोबारा आना असंभव है। ये परमेश्वर ही कृपा कर सकता है। हेलो, प्लीज फोन बंद करिए। आप समझे? ये चाल है शैतान की कि वो मसीहों को नष्ट कर देता है। इसलिए बहुत से मसीह नष्ट हो गए, बहुत से पुराने मसीह जो आपको लाए होंगे, आपको लाए होंगे, आप अब उनका जीवन देखिए। आप देखिए, वो कह रहे यार ठीक है, चर्च आते थे ठीक है यार, अच्छा तो जा रहे हैं ना ठीक है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तो यहाँ भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, ना सब एक ही है। हाँ पूछिए, आपको जो लाए हैं उनको ही देख लीजिए, जाइए जो आपको लाए हैं उनको पहचानिए, आप वो आप कैसे हैं, उनको तो आगे बढ़ना चाहिए ना। हेलो, आगे बढ़ना चाहिए, आप जाके देखिए क्यों, और उनको देखकर डरिए। खुशमत होइए कि अरे वो क्या, मैं तो हूं संसार में, अभी भी आप भी जा रहे हैं, कि उनकी तरह आप ना हो जाएं। और एक बार शैतान ने नष्ट कर दिया, वापस आना मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। कहीं आपने इन बातों को नहीं समझा और यीशु आ गया तो आप उस धधकती आग में जाएंगे जहां पर दांत पीसना है, रोना, फिर कुछ नहीं करेगा ये घर का पैसा, यहाँ का पैसा, ये आपका कुछ नहीं करेगा, हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। इसलिए अगर आपके पास धरती पर धन नहीं है ना, तो आप बिल्कुल उदास मत होइए, आप देखिए स्वर्ग की तरफ, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए धन जमा किया। जिनका धन धरती पर है डरना उसको है, हमारे पास तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं। आमेन, हालेलुया, आमेन। विश्वास करिए। तो चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है और नष्ट करने आता है, लेकिन यीशु मसीह जीवन और बहुतायत का जीवन देने आता है। वो जो जीवन यीशु ने दिया है उसको मत भूलिए।
उस जीवन को अपने अंदर बना के रखिए, चाहे कोई भी विपत्ति परीक्षाएं हैं। इसलिए याकूब की पत्री कहता है कि जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। जो विश्वासी नहीं है, जो मसीह नहीं है, जो बाइबल नहीं जानता है, कहे कैसी है बाइबल कि विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि परीक्षा में पढ़ने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज आपको सिद्ध बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मकसद है आपको ऊंचा उठाना। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है वचन? जोर से बोलिए, यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आमेन आमेन आमेन।